number 1. Razor Jets. ये एक तरह के रोलर स्केट्स हैं, जिन्हें आप स्ट्रैप्स की मदद से अपने शूज पर बांध सकते हैं। ये स्केट्स बहुत टाइम पहले मार्केट में थे बच्चों के इस्तेमाल के लिए। आजकल रेजर कंपनी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बस स्ट्रैप को टाइट कीजिए, अपने शूज में फिट कीजिए और स्केट कीजिए। ये काफी ठोस होते हैं, पर इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि इन्हें पहनने वाले का वजन 80.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन रोलर स्केट्स की अच्छी बात यह है कि जब आप अपनी एड़ी पर होते हैं तो ये चिंगारी निकालते हैं, और स्केट का प्लेटफॉर्म रोड से राइट एंगल पर होता है। ये स्केट्स पॉलीयुरेथेन के बने हैं। इनका वजन है लगभग आधा किलो और इनका प्लेटफॉर्म अलग अलग साइज का होता है। इनका स्टार्टिंग प्राइस है लगभग 2,500 रुपए। नंबर 2, हवर सीट। ये अजीब सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक हवरक्राफ्ट, एक बीच चेयर और एक हवर बोर्ड का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन एक मिनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इस डिवाइस को बड़े और बच्चे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और सीट को एडजस्ट करना बहुत ही आसान है। इस गैजेट के क्रिएटर्स का कहना है कि ये ट्रैवल करने का एक एक्साइटिंग तरीका है। इसकी मदद से कोई भी बिना चोट लगने के डर से चला सकता है। इस हाइब्रिड व्हीकल को ट्रैवलिंग एंजॉय करने के लिए बनाया गया है। दूसरे हवर बोर्ड्स के मुकाबले हवर सीट में बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये यूजर्स को अलाउ करती है मॉडरेटली स्पीड बढ़ाने में और रियर व्हील पर स्विंग करने में। ये हवर सीट 20 किलो से 131 किलो तक का वजन झेल सकती है, और इसकी कॉस्ट है लगभग 7,500 रुपए। नंबर 3, मैकामॉन। इस गेम के प्लेयर्स अपने स्मार्टफोन्स में ऑगमेंटेड रियलिटी के इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोबोट को वर्चुअल और फिजिकल वर्ल्ड में बैटल करने के लिए, वो भी एक साथ। मैकामॉन रोबोट हमारे स्मार्टफोन का कैमरा इस्तेमाल करता है अपने आप को आइडेंटिफाई और ट्रैक करने के लिए, एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जो कि रोबोट को कंट्रोल करती है और वेपन्स को फायर करती है। बैटल्स एक मैट पर होती है जो करीब 2 फीट बाय 3 फीट की होती है। इस पॉइंट से रोबोट्स कहीं पर भी जा सकते हैं, फर्नीचर के पीछे भी जाकर छुप सकते हैं एनिमी रोबोट को हराने के लिए। ओनर्स अपने रोबोट्स को फिजिकली अपग्रेड कर सकते हैं, वेपन्स, शील्ड्स और एडिशनल चार्ज देकर लेग्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स को ट्रेड आउट कर सकते हैं। एक सिंगल रोबोट की कॉस्ट होती है लगभग 24,000 रुपए, और 2-यूनिट पैकेज जो कि मल्टीप्लेयर यूजर्स के लिए है वो है लगभग 44,000 रुपए। नंबर 4, पोगो स्टिक वर्टेगो V4। ये डिवाइस एक तरह का पोर्टेबल ट्रैम्पोलिन है जो 10 फीट तक जंप अलाउ करता है। डिजाइन की बात करें तो ये एक यूनिसाइकिल जैसा दिखता है, जिसमें व्हील्स की जगह स्लाइड शाफ्ट हैं। इसमें हैंडल्स और फुट पैक्स भी हैं। पोगो स्टिक का वजन तकरीबन 7 किलो है और ये 181 किलो तक का वजन झेल सकता है। जंप करने के लिए आपको फुट पैक्स पर खड़ा होना होगा और एक क्विक एफर्ट लगाना होगा। यूजर की बॉडी मूवमेंट डिवाइस को कंट्रोल करती है और हायर जंप के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है। ये पोगो एक आसानी से इस्तेमाल होने वाला पोर्टेबल टूल है जो आपको अपने फ्री टाइम में थ्रिल करेगा और मस्ती करने का मौका देगा। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए इसके क्रिएटर्स ओरिजिनल पोगो में एक इम्प्रूवमेंट लाए हैं, और उसका नाम है वर्टिगो V4 प्रो। इस मॉडल को हायर जंप्स के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसके एडजस्टेबल एयर कुशन्स में एयर 10% ज्यादा है। ये गैजेट 3 अलग साइज में आते हैं और इसकी कीमत है लगभग 28,500 रुपए। नंबर 5, स्पाई गियर। इस टॉय के साथ एक फ्लैग कैप्चर गेम भी एक रियल एडवेंचर बन सकता है। इस गैजेट के मैन्युफैक्चरर्स इस गेम की किट में बहुत से डिवाइसेस ऑफर करते हैं, जैसे स्पेशल वॉकी टॉकीज जिन्हें आप दो मोड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वीडियो कैमरे के साथ और एक वीडियो कैमरे के बिना। किट में नाइट विजन गॉगल्स और एक एक्शन कैमरा भी इंक्लूडेड है जो आपको अपने एनिमीज के एक्शन को अंधेरे में भी रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं। ये एक्शन कैमरा टॉय गन्स पर इंस्टॉल किया जा सकता है ताकि आप एक्साइटिंग गेम के किसी मोमेंट को मिस ना करें। इन एडवांस्ड खिलौनों की कीमत शुरू होती है लगभग 1,500 रुपए से। I'm just sick and tired of him getting away with stuff. Time to take him down.
नंबर सिक्स ह्यूगर। इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड का वजन है 7 किलो। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर चल सकता है। एक बार बैटरी चार्ज करने पर यह करीब 32 किलोमीटर तक चलता है। अगर रोड पर ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उस बैटरी को 60 सेकंड में दूसरी बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी से बैटरी को चार्ज करने में करीब 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ह्यूगर के यूजर्स इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को खराब मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको गड्ढे में से गुजरने में भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि इसके इंजन वाटरप्रूफ है। फिर भी इसके डिजाइनर्स इसे पानी में डुबोना रिकमेंड नहीं करते। इसके सस्पेंशन डिजाइन का शुक्रिया। ये स्केटबोर्ड हिल्स की स्लोप्स को टैकल करते हैं 20 से 25% तक। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल LED हेड और टेल लाइट से इक्विप्ड है जो इसके डिजाइन में एलिगेंस ऐड करते हैं और इसे रोड पर ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है जिससे इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। ये बोर्ड कैनेडियन मेपल वुड से बना है और इसकी कीमत है लगभग 60,000 रुपए। नंबर 7 स्मार्ट प्लेन प्रो FPV। ये कॉम्पैक्ट हाई स्पीड प्लेन स्मार्टफोन से कंट्रोल होता है और ये फ्लाइंग से भी ज्यादा कुछ कर सकता है। ये लूपिंग्स और शार्प टर्न्स परफॉर्म कर सकता है हवा में। साथ में प्लेन का हर एक स्टंट कस्टमाइज किया जा सकता है उसके सिस्टम डेटाबेस में प्रोग्राम को अडेप्ट करके। इस गैजेट के डिजाइनर्स के अकॉर्डिंग इसे इंटुइटिव हैंड जेस्चर से कंट्रोल किया जा सकता है और इसका सिस्टम दूसरे सिमिलर डिवाइसेस से अलग है। आप इसकी मूवमेंट को हवा में मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को टिल्ट या वेव करके। हर एक किट में एक स्पेशल जॉयस्टिक होती है जो यूजर के फोन को गेम पैड में कन्वर्ट करती है और फ्लाइट को कंट्रोल करने में मदद करती है। साथ ही ये टॉय एयरक्राफ्ट एक यूनिक ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट मटेरियल से बना है जो खास तौर पर रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन के डिजाइन है। अगर ये प्लेन दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है या ऊंचाई से गिरता है फिर भी ये जल्दी टूटता नहीं। फुल चार्ज पर ये 12 मिनट तक उड़ सकता है चाहे कितने भी स्टंट क्यों ना करें। टॉय प्लेन चार्जर के साथ आता है जो कि USB से कनेक्टेड है। ये ओनर के स्मार्टफोन से 330 फीट दूर तक उड़ सकता है बिना कंट्रोल खोए जो होता है ब्लूटूथ की वजह से। इसका वजन है 1.2 आउंस। ये 13 इंच लंबा है और इसका विंग स्पैन है 12 इंच। हर एक एयरक्राफ्ट टॉय LEDs के सेट से इक्विप्ड है जिसे एडजस्ट किया जा सकता है। ये ब्लैक और ग्रीन कलर में आता है और इसकी कीमत है लगभग 26,000 रुपए। नंबर 8 पीक राइडर। ये डिवाइस बाइसिकल्स ट्रांसपोर्ट करने का एक सिस्टम है। ये आपको बाइसिकल्स कैरी करने में हेल्प करेगा एक्सट्रीम कंडीशंस में। बाइक का फ्रेम बैकपैक के टॉप पर अटैच होता है एक रेजिस्टेंट स्ट्रैप यूज करके। ये बाइसिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल और सेफ बनाता है। स्ट्रैप की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बाइक को हर डायरेक्शन में टर्न और टिल्ट करना अलाउ करती है ताकि रास्ते के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सके। ये मेंशन करना जरूरी है कि पीक राइडर किट स्पेशल सपोर्ट प्लेट के साथ आती है जो बाइसिकल को शोल्डर के ऊपर प्रेस होने से रोकती है और इसका वजन बॉडी के हिप्स और बैक पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है लगभग 5,000 रुपए। नंबर 9 लेजर एक्स। ये डिवाइस गेमिंग एक्सपीरियंस को वर्चुअल से रियल वर्ल्ड में ले जाने में मदद करता है। ये सिंगल या ग्रुप बैटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में इस डिवाइस से इंडोर और आउटडोर दोनों जगह खेला जा सकता है और वेपन्स को अंधेरे में भी यूज किया जा सकता है इसके अलग अलग कलर्स के ब्राइट एलिमेंट्स की वजह से। हालांकि ये प्लास्टिक वेपन हाईली एक्यूरेट होता है और एनिमी को 200 फीट दूर से स्ट्राइक कर सकता है। शूटिंग के इफेक्ट को और रियल बनाने के लिए गेम के साथ एक वेस्ट आती है जिसमें लाइट सेंसर होता है। ये हर एक हिट को काउंट करती है और रिकॉर्ड करती है और बहुत से सक्सेसफुल शॉट्स के बाद कलर को चेंज करती है। इस गेम में प्ले मोड अनलिमिटेड प्लेयर्स को खेलने की अनुमति देता है। हर एक वेपन में पावर इंडिकेटर होता है जो बैटरी खत्म होने से पहले चेतावनी देती है। एक इंटरैक्टिव वॉइस असिस्टेंट भी होता है जो आपकी अटेंशन बनाए रखता है गेम प्ले के दौरान। इस 2-प्लेयर लेजर टैग गेमिंग की कीमत इसकी वेबसाइट पर है $50। नंबर 10 ईगल ऑफ स्नाइपर G7 एरो स्लिंग शॉट। ये स्लिंग शॉट जो ब्लैक एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय से बना है दूसरे स्लिंग शॉट जैसा ही है फिर भी ये थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंट है और ये यूजफुल एडिशनल एक्सेसरीज के साथ आता है। इनफैक्ट आप इस डिवाइस को एरो शूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सी स्पेयर रबर बैंड्स के साथ आता है और एक फ्लैशलाइट क्लैंप के साथ आता है जिसे हैंडल पर इंस्टॉल किया जा सकता है
और लो विजिबिलिटी कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। साथ ही ये मेंशन करना भी जरूरी है कि इसका टॉप स्टेनलेस स्टील से बना है ताकि इसमें जल्दी से जंग ना लगे। ये स्लिंगशॉट 7 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा है। ये चाइना में प्रोड्यूस होता है और इसकी कीमत है लगभग 6,000 रुपए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा गैजेट आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझसे दोस्ती करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टेक केयर।